हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर अमेरिकन टीवी शो टीन वुल्फ के बारे में। यह टीवी शो वेयरवुल्फ्स पर बेस्ड है। इस शो का प्रसारण 2011 से 2017 तक अमेरिकन एमटीवी चैनल पर हुआ था। हाल ही में ये न्यूज़ भी आई थी कि इस शो पर एक मूवी भी बनने वाली है। इस शो के मुख्य किरदारों में आपको टाइलर पोसी, डिलन ओब्रायन, क्रिस्टन रीड और टाइलर हैकलिन जैसे एक्टर्स दिखेंगे। इस शो का मेन कैरेक्टर है स्कॉट मकॉल नाम का एक लड़का, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और कैलिफोर्निया में बीकन हिल्स नाम के एक फिक्शनल टाउन में रहता है। एक दिन रात को जब स्कॉट अपने घर जा रहा होता है तो जंगल में उसका सामना होता है एक वेयरवुल्फ से। वो वेयरवुल्फ स्कॉट को काट लेता है और स्कॉट भी एक वेयरवुल्फ बन जाता है। इस शो की बाकी की स्टोरी स्कॉट और उसके दोस्तों के आसपास ही घूमती है कि कैसे स्कॉट अपनी नई रियलिटी में एडजस्ट करता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने होम टाउन बीकन हिल्स को अलग अलग तरह के खतरों से बचाता है। आइए स्टार्ट करते हैं इस शो की जर्नी और जानते हैं इस शो के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। एपिसोड के शुरुआत में हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो अपनी सर्च पार्टी टीम के साथ जंगल में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर स्कॉट मकॉल से। स्कॉट एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और अपनी माँ के साथ कैलिफोर्निया में बीकन हिल्स नाम के एक टाउन में रहता है। स्कॉट को लक्रॉस नाम का एक स्पोर्ट्स गेम बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे स्कॉट के हाई स्कूल में स्कूल की लक्रॉस टीम में जगह बनाने के लिए क्वालिफाइंग मैच होने होता है, जिसको लेके स्कॉट थोड़ा टेंस होता है। जब हम स्कॉट को पहली बार देखते हैं तो स्कॉट अपनी लक्रॉस स्टिक की नेट एडजस्ट कर रहा होता है। तभी स्कॉट को अपने घर के बाहर झाड़ियों से कुछ आवाज़ आती है और वो अपना बेसबॉल बैट लेके घर के बाहर चला जाता है ये चेक करने के लिए कि बाहर कोई घुसपैठिया तो नहीं है। लेकिन बाहर कोई घुसपैठिया नहीं होता, बल्कि होता है स्कॉट का बेस्ट फ्रेंड स्टाइल्स। स्टाइल्स भी स्कॉट के ही हाई स्कूल में पढ़ता है और अपने डैड के साथ बीकन हिल्स में ही रहता है। स्टाइल्स के डैड उस टाउन के शेरिफ होते हैं। स्कॉट स्टाइल्स से पूछता है कि वो इतनी देर रात को उसके घर के बाहर क्या कर रहा है। स्टाइल्स बताता है कि उसने थोड़ी देर पहले ही अपने डैड को कुछ पुलिस ऑफिसर्स से बात करते हुए सुना था कि दो लोगों को पास ही के जंगल में किसी औरत की हाफ डेड बॉडी मिली है और इसलिए स्टाइल्स के डैड और बाकी के पुलिस ऑफिसर्स अपनी टीम के साथ जंगल में गए हैं ताकि वो लोग उस डेड बॉडी का दूसरा हिस्सा भी ढूंढ पाएं। इसके बाद स्कॉट और स्टाइल्स भी उस डेड बॉडी का दूसरा हिस्सा ढूंढने जंगल में चले जाते हैं। जंगल में चलते वक्त स्कॉट स्टाइल्स को कहता है कि उसको यकीन है कि इस बार स्कॉट का स्कूल की लक्रॉस टीम में सिलेक्शन हो ही जाएगा और हर बार की तरह इस साल उसको बेंच पर नहीं बैठना पड़ेगा क्योंकि इस साल से वो मैचेस खेलेगा। फिर हम देखते हैं कि इतनी तेज ज्यादा देर कंटिन्यूसली चलने की वजह से स्कॉट की सांसें फूलने लगती हैं और वो अपनी पॉकेट में से अपना इनहेलर निकालता है। तभी स्टाइल्स की नज़र पुलिस ऑफिसर्स की टीम पर पड़ती है। उन्होंने ऑफिसर्स से छुपने के लिए स्टाइल्स और स्कॉट दूसरी डायरेक्शन में भागने लगते हैं। भागते वक्त अंधेरे के कारण वो दोनों बिछड़ जाते हैं और स्कॉट थोड़ा पीछे रह जाता है। तभी एकदम से स्टाइल्स का सामना अपने डैड से हो जाता है। ये देख के स्कॉट एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। स्टाइल्स के डैड समझ जाते हैं कि स्टाइल्स ने जरूर फोन पर उनकी बातें सुननी होंगी क्योंकि वो अक्सर ये चीज करता है और वो जरूर उस डेड बॉडी का दूसरा हिस्सा ढूंढने जंगल में आया होगा क्योंकि स्टाइल्स को ये सब चीजें एडवेंचरस लगती हैं। स्टाइल्स को एक डिटेक्टिव की तरह क्लूज ढूंढना और फिर उन क्लूज के जरिए चीजों को ढूंढना बचपन से ही अच्छा लगता है। स्टाइल्स के डैड उससे पूछते हैं कि उसका पार्टनर इन क्राइम स्कॉट कहाँ है क्योंकि स्कॉट और स्टाइल्स ऐसी खुराफाती हरकतें साथ में ही करते हैं। स्टाइल्स उनको झूठ बोल देता है कि स्कॉट अपने घर पर है और स्टाइल्स तो अकेले ही जंगल में आया था। स्टाइल्स के डैड को स्टाइल्स की बातों पर यकीन नहीं होता तो वो स्कॉट को आवाज़ लगाने लगते हैं, लेकिन स्कॉट उनके सामने नहीं आता और पेड़ के पीछे ही छुपा रहता है। स्टाइल्स के डैड को लगता है कि शायद स्टाइल्स इस बार सच बोल रहा है और स्कॉट उसके साथ नहीं है। इसके बाद स्टाइल्स के डैड स्टाइल्स को उस जंगल से बाहर ले जाते हैं। उनके जाने के बाद स्कॉट भी उस जंगल से बाहर जा रहा होता है कि तभी कुछ डरे हुए हिरन एकदम से स्कॉट के पास से गुजरते हैं, जिस वजह से स्कॉट गिर जाता है और उसका आस्थमा पंप भी खो जाता है। इसके बाद स्कॉट अपने सेलफोन की लाइट की हेल्प से अपना आस्थमा पंप ढूंढने लगता है कि तभी उसको उस डेड बॉडी का दूसरा हिस्सा मिलता है जिसको ढूंढने वो और स्टाइल्स उस जंगल में आए थे। उस डेड बॉडी को ऐसे ही एकदम से देख के स्कॉट बहुत डर जाता है और अपनी हड़बड़ाहट में वो एक छोटी सी हिल से थोड़ा नीचे गिर जाता है और उसको थोड़ी चोट भी लग जाती है। स्कॉट किसी भी तरह करके अपने पैरों पर खड़ा होता है और फिर से उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है कि तभी वो अपने पीछे किसी जानवर के घुर्राने की आवाज़ सुनता है। जब वो पलट के देखता है तो वो देखता है कि उसके पीछे एक बड़ा सा भेड़िया खड़ा है। उस भेड़िए को देख के स्कॉट बहुत डर जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाए वो भेड़िया एकदम से स्कॉट पर हमला कर देता है और उसको काट लेता है। इसके बाद स्कॉट उस भेड़िए से बच के वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते उस जंगल से बाहर रोड पर आ जाता है।
जहां वो एक गाड़ी से टकराने से बचता है। इसके बाद जब वो अपनी हुडी ऊपर करता है तो देखता है कि उसकी बॉडी पर उस भेड़िए की बाइट का एक बड़ा सा निशान होता है। तभी उसको जंगल से उस भेड़िए की हाउल करने की आवाज़ आती है और स्कॉट और सहम जाता है। नेक्स्ट डे स्कॉट अपने स्कूल जाता है और साइल्स को इस भेड़िए वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है। साइल्स कहता है कि पिछले 60 सालों से कैलिफोर्निया में कोई भी भेड़िया नहीं देखा गया है, तो ज़रूर स्कॉट पर किसी और जानवर ने अटैक किया होगा। मे बी जंगल के अंधेरे की वजह से स्कॉट सही से उस जानवर को देख नहीं पाया हो। इसके बाद स्कॉट साइल्स को यह भी बताता है कि उसको जंगल में उस डेड बॉडी का दूसरा हिस्सा भी मिला था। ये सुनके साइल्स बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तभी साइल्स की नज़र लिडिया मार्टिन नाम की एक लड़की पर पड़ती है जो उन दोनों के साथ उसी हाई स्कूल में पढ़ती है। साइल्स की बातों से पता चलता है कि उसको लिडिया पर क्रश है, लेकिन लिडिया उसको कम्प्लीटली इग्नोर करती है। लिडिया थोड़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप लड़की होती है और वो सिर्फ उन्हीं से दोस्ती करती है जो स्कूल में पॉपुलर होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कॉट और साइल्स अपने इंग्लिश क्लास में होते हैं। क्लास के दौरान स्कॉट को सेलफोन बजने की बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब वो अपने आजू बाजू देखता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि वो आवाज़ सिर्फ उसको ही सुनाई दे रही है, बाकी के स्टूडेंट्स को नहीं। तभी वो अपने क्लासरूम के बाहर थोड़ी दूर एक लड़की को फ़ोन पर बातें करते हुए देखता है और उसको रियलाइज़ होता है कि इतनी दूर से भी वो उस लड़की की सारी बातें सुन सकता है, कि वो लड़की उनके स्कूल में न्यू एडमिशन है और आज ही उसका स्कूल में पहला दिन है। वो लड़की अपनी मॉम को बता रही होती है कि वो पेन लाना भूल गई है। तभी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल उस लड़की के पास जाते हैं और उसको स्कॉट की ही क्लास में ले आते हैं और उसको बाकी के बच्चों से इंट्रोड्यूस करते हैं। उस लड़की का नाम होता है एलिसन आर्जेंट। एलिसन स्कॉट के पीछे वाली सीट पर बैठती है और स्कॉट उसको लिखने के लिए एक पेन देता है क्योंकि उसने एलिसन की फ़ोन कॉन्वर्जेशन सुन ली थी। एलिसन को थोड़ा वियर्ड लगता है कि स्कॉट को कैसे पता चला कि उसके पास पेन नहीं है, पर वो स्कॉट के इस काइंड जेस्चर से इम्प्रेस भी हो जाती है। क्लास के ख़त्म होने के बाद स्कॉट और एलिसन अपने अपने लॉकर्स में अपना सामान रख रहे होते हैं। जब स्कॉट एलिसन की तरफ देखता है तो वो स्कॉट को देख के स्माइल करती है। तभी स्टाइल्स और उनकी फ्रेंड हार्ले स्कॉट के पास आते हैं। स्कॉट देखता है कि लिडिया और उसका बॉयफ्रेंड जैक्सन भी एलिसन से इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। स्कॉट अपनी नई सुपर हियरिंग वाली पावर से उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन सुन लेता है। जैक्सन और लिडिया एलिसन को नेक्स्ट फ्राइडे होने वाली पार्टी के लिए इन्वाइट करते हैं, लेकिन वो उनको ये कह के मना कर देती है कि उस दिन उसको अपनी फैमिली के साथ कुछ काम है। फिर वो दोनों एलिसन को अपने साथ लक्रॉस प्रैक्टिस मैच देखने ले जाते हैं क्योंकि जैक्सन स्कूल की लक्रॉस टीम का कैप्टन होता है। लक्रॉस फील्ड में एलिसन देखती है कि स्कॉट भी लक्रॉस खेलता है। तभी टीम कोच स्कॉट के पास आते हैं और उसको गोलकीपिंग करने को कहते हैं। कोच को लगता है कि स्कॉट बेकार गोलकीपिंग करेगा, जिस वजह से प्लेयर्स ज़्यादा गोल्स कर पाएंगे और उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। स्कॉट को देख के एलिसन लिडिया से स्कॉट के बारे में पूछती है, लेकिन लिडिया को स्कॉट का नाम नहीं पता होता। स्कॉट दूर से ही उनका ये कॉन्वर्सेशन सुन लेता है। प्रैक्टिस मैच के दौरान स्कॉट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। उसकी परफॉर्मेंस देख के एलिसन और स्टाइल्स उसके लिए चीयरिंग करते हैं, यहाँ तक कि लिडिया भी उससे बहुत इंप्रेस हो जाती है, जो जैक्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उस मैच के बाद स्कॉट स्टाइल्स को जंगल में ले जाता है जहाँ उसने वो डेड बॉडी देखी थी। उस जंगल में स्कॉट साइल्स को अपनी बॉडी में आ रहे चेंजेस के बारे में बताता है कि कैसे उसके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हो गए हैं, जिस वजह से प्रैक्टिस मैच के दौरान वो बॉल को बड़ी आसानी से कैच कर पा रहा था। यहाँ तक कि उसके सुनने और सूंघने की क्षमता भी बहुत बढ़ गई है। स्कॉट कहता है कि ये सब उस एनिमल के स्कॉट के काटने के बाद स्टार्ट हुआ है। ये सुन के साइल्स मजाक करने लगता है और स्कॉट को मजाक में कहता है कि शायद स्कॉट अब एक वेयरवुल्फ बन गया है। स्कॉट कहता है कि साइल्स को मजाक सूझ रहा है, पर हो सकता है कि स्कॉट को उस बाइट की वजह से कुछ इन्फेक्शन हो गया हो। इसके बाद स्कॉट साइल्स को उस जगह पर ले जाता है जहां उसको वो डेड बॉडी मिली थी और वो दोनों देखते हैं कि वहां कोई डेड बॉडी नहीं होती। स्कॉट कहता है कि वो श्योर है कि उसने वो डेड बॉडी वहीं देखी थी। साइल्स कहता है कि मे बी खूनी ने उस डेड बॉडी को वहां से हटा दिया हो। तभी उन दोनों का सामना एक लड़के से होता है। वो लड़का स्कॉट को उसका इनहेलर वापस देता है और उन दोनों को वहाँ से रूट ली जाने को कहता है क्योंकि वो जगह उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उस लड़के के जाने के बाद साइल्स स्कॉट को बताता है कि उस लड़के का नाम डेरिक हेल है। वो उन दोनों से बस कुछ ही साल बड़ा है। 10 साल पहले एक फायर एक्सीडेंट में डेरिक ने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था और डेरिक बीकन हिल्स छोड़ के चला गया था। स्कॉट कहता है कि तो डेरिक अब वापस क्यों आया है। इसके बाद वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं।
फिर हम देखते हैं कि स्कॉट एज अ पार्ट टाइम जॉब एक एनिमल क्लिनिक में काम करता है। स्कॉट अपनी बैंडेजेस चेंज करने के लिए रिमूव करता है तो वो देखता है कि उसके जख्म बिल्कुल ठीक हो गए हैं और वहाँ कोई भी बाइट का निशान नहीं है। ये देख के वो कन्फ्यूज हो जाता है। इसके बाद जब स्कॉट बिल्लियों को खाना देने जाता है तो वो सारी बिल्लियाँ स्कॉट को देख के घुराने लगती हैं। स्कॉट को समझ नहीं आता कि वो बिल्लियाँ ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं। तभी एलिसन वहाँ पर आती है। वो बहुत परेशान दिखती है। वो स्कॉट को बताती है कि गलती से उसकी कार से कुत्ता टकरा गया था, इसलिए वो उस कुत्ते को उस क्लिनिक में इलाज के लिए ले आई है। वो कुत्ता एलिसन की कार में होता है और जब एलिसन और स्कॉट उसको कार से निकालने जाते हैं तो वो उन पर भौंकने लगता है। लेकिन तभी स्कॉट उस कुत्ते की आंखों में देखता है और स्कॉट की आंखें ग्लो करने लगती हैं और वो कुत्ता भौंकना बंद कर देता है। स्कॉट उस कुत्ते की मरहम पट्टी कर देता है। बाहर बारिश हो रही होती है जिस वजह से एलिसन के कपड़े गीले हो जाते हैं, तो स्कॉट एलिसन को पहनने के लिए अपनी एक एक्स्ट्रा टी शर्ट दे देता है। वो दोनों बातें करने लगते हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे हैं। स्कॉट एलिसन को अपने साथ फ्राइडे नाइट होने वाली पार्टी में चलने के लिए इन्वाइट करता है। जब सेम इन्विटेशन लिडिया और जैक्सन ने एलिसन को दिया था तो एलिसन ने उनको ये झूठ बोल के मना कर दिया था कि वो उस दिन बिजी है क्योंकि वो उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। लेकिन जब स्कॉट पूछता है तो एलिसन उसके साथ उस पार्टी में चलने के लिए हाँ कह देती है। इसके बाद स्कॉट अपने घर आ जाता है। वह बहुत खुश होता है क्योंकि एलिसन ने उसके साथ पार्टी में चलने के लिए हाँ बोल दिया होता है। नेक्स्ट डे सुबह को जब स्कॉट उठता है तो वो देखता है कि वो जंगल में एक गुफा में है। जब वो उस गुफा से बाहर निकलता है तो उसको वही भेड़िया दिखता है जिसने उस पर अटैक किया था। उस भेड़ियों को देख के स्कॉट डर जाता है और भागने लगता है और वो भेड़िया भी उसके साथ साथ भागने लगता है। उस भेड़िए से बच के स्कॉट उस जंगल से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि वो गलती से किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस गया है। इसके बाद जब स्कॉट स्कूल आता है तब जैक्सन उसके पास आता है। जैक्सन को लगता है कि अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए स्कॉट किसी तरह के ड्रग्स ले रहा है, तो वो स्कॉट से उन्हीं ड्रग्स के बारे में पूछता है। स्कॉट कहता है कि वो कोई ड्रग्स नहीं ले रहा है। जैक्सन कहता है कि उसको पता है कि स्कॉट झूठ बोल रहा है और वो इस बात का पता लगा के ही रहेगा कि स्कॉट क्या छुपा रहा है, चाहे इसमें कितना ही टाइम लगे। इसके बाद स्कॉट अपने मैच के लिए चला जाता है। मैच से पहले साइल्स स्कॉट के पास आता है। साइल्स बहुत घबराया हुआ होता है और स्कॉट को ये बताना चाहता है कि उसने अपने डैड को डेड बॉडी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में फ़ोन पर बात करते हुए सुना था और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस डेड बॉडी पर भेड़िए के बाल मिले हैं। स्कॉट को मैच के लिए देर हो रही होती है तो वो साइल्स की बातों पर ध्यान नहीं देता और अपना मैच खेलने चला जाता है। मैच के दौरान जैक्सन स्कॉट को टारगेट करता है, लेकिन स्कॉट फिर से बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और कोच उसको टीम में सेलेक्ट कर लेते हैं। स्कॉट की ये सब नई स्किल्स देख के स्टाइल्स को भी अब थोड़ा शक होने लगता है कि कहीं उसकी मजाक में कहीं वेयरवुल्फ वाली बात सच तो नहीं है कि उस भेड़िए के काटने की वजह से स्कॉट सच्ची में एक वेयरवुल्फ बन गया है। वेयरवुल्फ्स के बारे में और जानने के लिए स्टाइल्स उन पर और इन्फॉर्मेशन सर्च और कलेक्ट करता है ताकि वो ये पता लगा पाए कि स्कॉट के साथ क्या हो रहा है। इसके बाद वो स्कॉट को अपने घर बुलाता है और उसको ये सब बातें बताता है। स्कॉट गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि स्टाइल्स फिर से उससे मजाक कर रहा है। स्टाइल्स कहता है कि वो इस बार मजाक नहीं कर रहा है। स्कॉट में कुछ ही दिनों में जो चेंजेस आए हैं वो नॉर्मल नहीं है। स्कॉट की स्पीड, उसके रिफ्लेक्सेस, सुनने और सूंघने की क्षमता सब एकदम से इम्प्रूव हो गया है। यहाँ तक कि स्कॉट को अब अपने इनहेलर की भी ज़रूरत नहीं है। स्कॉट कहता है कि आज फ्राइडे है और उसको एलिसन को पार्टी के लिए पिकअप करने जाना है। उसके पास स्टाइल्स की इन बेकार मजाकिया बातों के लिए टाइम नहीं है। स्कॉट कहता है कि उसकी लाइफ में फाइनली सब कुछ अच्छा हो रहा है और स्टाइल्स ये सब मजाक करके उसके मूड स्पॉइल कर रहा है। स्टाइल्स उसको बताता है कि आज फ्राइडे के साथ साथ फुल मून भी है जो वेयरवुल्फ्स के लिए बहुत इम्पैक्टफुल होता है। अगर स्कॉट एक वेयरवुल्फ बन गया है तो आज रात फुलमून की वजह से उसमें फिजिकल चेंजेस आएंगे और वो एक भेड़िया तो बनेगा ही बनेगा, पर आज उसका ब्लडलस भी पीक पर होगा, इसलिए इस बेटर की वॉच एलिसन से दूर रहे। इसी वजह से स्टाइल्स स्कॉट का फ़ोन लेता है और एलिसन को मैसेज करके उनके नाइट प्लान्स कैंसिल करने जा रहा होता है कि स्कॉट एकदम से बहुत गुस्सा हो जाता है और भूल से गुस्से में स्टाइल्स को धक्का दे देता है और स्टाइल्स की कंप्यूटर चेयर भी फेंक देता है। बाद में स्कॉट को अपनी गलती का एहसास होता है। वो साइल्स से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। स्कॉट के जाने के बाद साइल्स देखता है कि उसकी चेयर पर जानवर के पंजे के निशान होते हैं। ये देख के वो श्योर हो जाता है कि स्कॉट अब एक वेयरवुल्फ बन गया है। इसके बाद स्कॉट अपने घर आता है और उस पार्टी के लिए रेडी होता है। उसको खुश देख के उसकी मॉम भी बहुत खुश होती है और उससे एलिसन के बारे में पूछती है और उसको एलिसन को पिकअप करने के लिए अपनी कार दे देती है।
स्कॉट एलिसन को अपने साथ उस पार्टी में ले जाता है। स्कॉट डेरिक को भी उस पार्टी में देखता है। एक कुत्ता डेरिक को देख के ही भौंकने लगता है, लेकिन जैसे ही डेरिक उस कुत्ते की आंखों में देखता है वो कुत्ता चुप हो जाता है। स्कॉट ये सब देख लेता है, फिर डेरिक एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है और स्कॉट को छत पर उसी भेड़िए की झलक दिखती है जिसने उसको उस रात जंगल में काटा था। इसके बाद स्कॉट और एलिसन डांस करने लगते हैं। स्कॉट को अचानक से कुछ होने लगता है और वो एलिसन को उस पार्टी में छोड़ के अपने घर चला जाता है। स्कॉट के वहाँ से जाने के बाद डेरिक एलिसन से मिलता है और अपने आप को स्कॉट का फ्रेंड बता के एलिसन से इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद स्कॉट अपने घर वापस आ जाता है। उसको एकदम से बहुत गर्मी लग रही होती है तो वो शावर लेने लगता है। फिर वो देखता है कि उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। उसके नेल्स और टीथ एनिमल की तरह हो जाते हैं और उसकी आइज भी ग्लो करने लगती है। तभी सेल्स उससे मिलने आता है, लेकिन स्कॉट उसको अपने रूम के अंदर घुसने नहीं देता क्योंकि वो नहीं चाहता कि सेल्स उसको ऐसी हालत में देखे। स्कॉट सेल्स को बताता है कि उसको समझ आ गया है कि डेरिक ही वो भेड़िया है जिसने स्कॉट को काटा था। ये सुनके सेल्स स्कॉट को बताता है कि उसने पार्टी में डेरिक को एलिसन को अपने साथ कहीं ले जाते हुए देखा था। ये सुनके स्कॉट को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने रूम का डोर लॉक कर देता है ताकि सेल्स रूम के अंदर ना आ पाए और खुद रूम की विंडो से बाहर कूद जाता है। डायरेक्ट मून की रोशनी पड़ने की वजह से स्कॉट में और भी फिजिकल चेंजेस होते हैं। इसके बाद स्कॉट डेरिक से मिलने जंगल में चला जाता है। चार्ल्स भी एलिसन को चेक करने उसके घर जाता है, लेकिन वो देखता है कि एलिसन सेफ है और अपने घर में ही है। जंगल में स्कॉट को एलिसन की सेंट आती है और वो सेंट को फॉलो करता करता एक स्पॉट पर पहुंचता है जहां एलिसन की जैकेट टंगी हुई होती है जो उसने पार्टी में पहनी थी। तभी डेरिक वहां आता है। वो जैकेट उसने ही वहीं टांगी होती है ताकि स्कॉट एलिसन की सेंट को फॉलो करता करता उस जंगल में आ जाए और एलिसन से दूर रहे। डेरिक कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि स्कॉट एलिसन को कोई हार्म ना पहुंचा पाए। तभी वहाँ पर कुछ शिकारी आ जाते हैं जो वेयरवुल्फ्स को ही हंट करते हैं। उनको देख के डेरिक स्कॉट को वहाँ से भागने को कहता है। दूर से ही उन शिकारियों का लीडर कुछ एरोस चलाता है जिसमें से एक स्कॉट को लग जाता है और वो फंस जाता है। स्कॉट को बचाने के लिए डेरिक दो शिकारियों पर छुपके से हमला करता है और इससे पहले कि वो लोग स्कॉट या डेरिक को देख पाए डेरिक स्कॉट को बचा के वहाँ से ले जाता है। बाद में स्कॉट के पूछने पर डेरिक उसको उन शिकारियों के बारे में बताता है कि कई सदियों से ऐसे शिकारी वेयरवुल्फ्स को हंट करके मारते हैं। स्कॉट डेरिक को कहता है कि उसके साथ ये सब डेरिक की वजह से हो रहा है। डेरिक कहता है कि क्या एक वेयरवुल्फ होना स्कॉट के लिए इतना बुरा है? अपनी नई पावर्स की वजह से स्कॉट बेहतर सुन सकता है, देख सकता है, चल सकता है। क्या ये पावर्स स्कॉट के लिए इतनी बुरी हैं? डेरिक कहता है कि उस बाइट के थ्रू स्कॉट को एक गिफ्ट मिला है और स्कॉट को उस गिफ्ट की इज्जत करनी चाहिए। डेरिक कहता है कि वो और स्कॉट अब ब्रदर्स की तरह हैं और अपनी नई पावर्स को कंट्रोल में रखना सीखने के लिए स्कॉट को डेरिक की हेल्प चाहिए होगी। ये कहकर डेरिक वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग साल स्कॉट को ढूंढ लेता है और उसको अपनी जीप में लिफ्ट देता है। स्कॉट बहुत परेशान होता है तो साल्स उसको कहता है कि वो दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को फेस कर लेंगे। फिर वो स्कॉट का मूड ठीक करने के लिए उसको मजाक में कहता है कि नेक्स्ट फुल मून वो स्कॉट को चेन से बांध देगा ताकि स्कॉट कहीं भी ना जा सके। इन दोनों की बॉन्डिंग से दिखता है कि ये दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं। इसके बाद जब स्कॉट स्कूल जाता है तो एलिसन उससे थोड़ा नाराज होती है क्योंकि वो पार्टी में उसको ऐसे ही अकेला छोड़ के चला गया था। स्कॉट उससे अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है और उससे एक और चांस मांगता है और एलिसन उसको माफ़ कर देती है। तभी एलिसन के डैड उसको स्कूल से पिकअप करने आते हैं और स्कॉट देखता है कि एलिसन के डैड वही शिकारियों के लीडर हैं जिसने एक रात पहले स्कॉट पर वो एरो चला के हमला किया था। इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं सीरीज के साथ कंटिन्यू करूं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।